इधर दिल्ली से खबर मिल रही है, दिल्ली में पुलिस कर्मियों के बैरक्स खाली करवाए जा रहे हैं। होटल और गेस्ट हाउस में किया जा रहा है अब जवानों के रहने का इंतजाम। दूसरे राज्यों के जो पुलिस कर्मी हैं उनके लिए इंतजाम किया जा रहा है। लॉकडाउन में जवानों का घर जाना चूंकि मुमकिन नहीं है और ऐसे में उनके लिए बैरक खाली करवा के अब उनके लिए जो रहने खाने पीने का इंतजाम है वो उनके लिए होटल्स में किया जा रहा है, ताकि वो अगर रेस्ट भी कर रहे हैं, आराम भी कर रहे हैं, तो उनको वो सुविधा उस तरह से मिल पाए। बैरक पे जगह कम होती है, सोशल डिस्टेंसिंग इस वजह से मेंटेन नहीं हो पाती है, उसमें मुश्किल होता है। थानों के बाहर ये नोटिस चस्पा किए गए हैं। तो ये दो तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रखे हैं कि किस तरह से अब वो होटल का जो कमरा है वो उनको दिया गया है, ताकि वो आराम से वहाँ पर अपना थोड़ा जितना भी देर उनको आराम करना है वो वहाँ पर कर सके, उसके लिए इंतजाम किए गए हैं और बैरक्स खाली करवा दिए गए हैं। पुलिस कर्मियों के लिए होटल्स में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इस बारे में इस जानकारी दे रहे हैं अवनीश चौधरी। देखिए रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के चलते दिल्ली पुलिस के जवानों को लगातार 24-24 घंटे ड्यूटी देनी पड़ रही है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और जो तमाम नियम हैं ताकि वो अपने आप को भी सुरक्षित रख पाएं, इसके लिए पुलिस के लिए ये समय बेहद चुनौती भरा है। दिल्ली पुलिस के थानों में जितनी भी बैरक है, बैरक हम आपको बता दें कि जिसमें थानों के अलावा जो PCR यूनिट है, ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं, उनके रहने आराम करने की व्यवस्था होती है। और जब कोरोना का फैलाव हो रहा है, कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, तो सभी बैरक को खाली करवाया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन पुलिस कर्मियों की वहां से वो खाट या चारपाई जो है, जिस तरह के नोटिस हम आपको बता रहे हैं कि नोटिस इशू किए गए हैं कि उनके रहने की, उससे बढ़िया इंतजाम उनके लिए करके दिए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के अलग अलग थाना क्षेत्रों में उन जवानों के लिए जो उस एरिया के गेस्ट हाउस हैं या होटल्स हैं उनको ले लिया गया है, क्योंकि इस समय में वो गेस्ट हाउस और होटल खाली पड़े हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जवानों के ठहरने की व्यवस्था कर दी गई है। वो बेहद ज़रूरी इसलिए भी था कि दिल्ली पुलिस के ज़्यादातर जवान जो पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन जगहों से आते हैं, और ऐसे में उनके लिए लॉकडाउन में वापस जाना पॉसिबल नहीं है, ना ही बैरक में उनके रहने की व्यवस्था है, तो वो कहाँ जाएं। उनके लिए आप देख सकते हैं कि इस तरीके से गेस्ट हाउस में रहने के अच्छे इंतजाम किए गए हैं। इस समय हम मधुविहार थाना क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस में हैं, जहां बैरक के सभी पुलिस कर्मियों को रहने की व्यवस्था की गई है। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम कांस्टेबल गजेंद्र। गजेंद्र जी, आप कहां से आते हैं, आपका परिवार कहां पे है? फैमिली तो राजस्थान जयपुर में रहती है जी। लेकिन यहां पे हमारे थाने में सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पाता, बैरक में पास पास चारपाइयां रहती, इस वजह से DCP साहब के आदेश पे हमारे SHO साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ पे रूम अवेलेबल करवाए हैं तमाम स्टाफ के लिए जो बाहर से आते हैं और जो बैरिक में रहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है और हम अपने आप को यहाँ पे बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं ये कोरोना के चलते। तो आपने सुना कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए एक सहूलियत है, क्योंकि लॉकडाउन के दौर में उनके लिए अपने पड़ोसी राज्यों में स्थित घर में जाना मुमकिन नहीं है, ड्यूटी आवर्स बहुत लंबे हैं, ऐसे में जब ये गेस्ट हाउस उनको मिल गए हैं तो उनको कहीं ना कहीं इससे बेहद आराम है। और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ दिल्ली के पूर्वी दिल्ली का मधुविहार एरिया है, इसके अलावा दिल्ली के अन्य इलाकों में भी, द्वारका से भी खबर आ रही है कि वहाँ भी पुलिस कर्मियों के लिए गेस्ट हाउस और जो होटल हैं वो बुक किए जा रहे हैं, ताकि उनको वहाँ पे रेस्ट दिया जा सके, ताकि वो अपनी जो ड्यूटी है, जो उनका कर्तव्य है, उसको वो बिना थके, बिना परेशान हुए उनका निर्वाह कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट कमल के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।